केंद्रीय कैबिनेट ने गर्भपात विधेयक 2020 को दी मंजूरी। गर्भपात की अधिकतम समय सीमा बढ़ाकर 20 से 24 हफ्ते की गई। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भाजपा में शामिल, कहा प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दीन बंधु सर छोटू राम की 140वीं जयंती करनाल में धूमधाम से मनाई गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी श्रद्धांजलि। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 जीता। 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बनाई अजेय बढ़त। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सीय गर्भपात संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान है। इस बिल में 3 मुद्दे हैं। पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए 20 सप्ताह तक की मंजूरी थी और अब ये 24 सप्ताह हो गई है। 24 सप्ताह यानी 6 महीने का गर्भ अगर निकालना है तो उसके लिए 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी, जिसमें से 1 सरकारी डॉक्टर होगी। इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि पहले ये अवधि 20 सप्ताह तक थी। टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अब ये 24 सप्ताह हो गए, तो 6 महीने तक, और पहले 5 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सिफारिश चलती थी, अब वो 20 सप्ताह तक के लिए चलेगी। 24 तक 6 महीने का अगर गर्भ का निकालना है तो उसके लिए 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी, जिसमें 1 सरकारी डॉक्टर होंगे। बैडमिंटन जगत में भारत को कई बड़ी जीत दिलाने वाली साइना नेहवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। साइना नेहवाल ने आज दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ उनकी बहन चंद्रांशु ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हैदराबाद में रहते हुए बैडमिंटन जगत में बड़ा नाम कमाने वाली साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में 19 मार्च 1990 को हुआ था। वो वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में 23 मई 2015 को विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। इस मुकाम तक पहुंचने वाली साइना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। साइना के पास 22 सुपर सीरीज और ग्रैंड प्रिक्स खिताब है। इसके अलावा उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। हार्डवर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्डवर्किंग पर्सन सब बहुत पसंद है, एंड आई कैन सी के नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को, देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रही हूं जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है नरेंद्र सर से, एंड आई होप कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं अपनी कंट्री के लिए, और मैं पूरी ट्राई करूंगी, एंड आई एम थैंकफुल टू भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा ऑनर दिया है। दीन बंधु सर छोटू राम की 140वीं जयंती आज करनाल में धूमधाम से मनाई गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दीन बंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को महान शख्सियत के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम सर्व समाज के नेता थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत कड़ी शिक्षा होती है, और ऐसे में सर छोटू राम ने अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित कर समाज को शिक्षित करने की पहल की। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा
कि ऐसा कार्यक्रम आज करनाल के अंदर आयोजित हुआ जहां शिक्षा के स्तर में, खेल के स्तर के अंदर उम्र ना देखते हुए जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, आज दीन बंधु सर छोटू राम जी के याद करते हुए उनको सम्मानित करने का काम किया और उसी को आगे देखते हुए, क्योंकि इस भवन के अंदर बहुत जगह है, मैंने इनसे आग्रह किया कि अगर भवन और सोसाइटी के तमाम सदस्य चाहे, क्योंकि शिक्षा के स्तर के अंदर हमें भी अपने आप को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। भारत ने हैमिल्टन में मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 जीत लिया है। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 18 रन का लक्ष्य दिया। अंतिम दो गेंदों पर भारत को जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी और ऐसे में रोहित शर्मा ने लगातार दो छक्के लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने रोहित शर्मा के 65 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 179 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने 38 रनों का योगदान दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट पर 179 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान विलियमसन ने 95 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। सुपर ओवर में जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज भी 3-0 की अजेय बढ़त के साथ अपने नाम कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए 4 दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किए जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया। इस बीच एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव याचिका दायर की। न्यायालय के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा और उनको फांसी होगी। समझ रहा है, सब समझ रहे हैं कि नहीं, ये जानबूझ के ऐसे एक एक करके पटिशन कर रहे हैं, केस को डिले कर रहे हैं, तो कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनको 1 फरवरी को फांसी हो। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कल रोहतक के जाट कॉलेज में एक समारोह में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में जागरूक होना जरूरी है। सांसद ने प्रदेश में नशे की बढ़ती आदत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की जहां जिम्मेदारी है, वहीं समाज का दायित्व सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सरकार, मेरा इसमें हमेशा यह मानना है, सरकार तो जो अपना करेगी करेगी, इसमें समाज का दायित्व सबसे ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जब आपके बच्चे इस लत की तरफ जाना शुरू होते हैं तो पहली जिम्मेवारी जो है वो जो आस पड़ोस है, जो घर परिवार है, उसको देखने का है कि हाँ, सरकार का ये दायित्व ज़रूर बनता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ जहाँ पर युवा जो है वो अपनी ऊर्जा को उसमें संचालित कर सके। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने SYL मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक पर मोहर लगा चुका है, देरी से ही सही, लेकिन हरियाणा को उसका हक मिलकर रहेगा। पंजाब तो ये चीज आज से क्या, बहुत टाइम से कह रहा है। उन्होंने तो पहले अपने असेंबली के थ्रू भी जो प्रस्ताव पास किए थे और जो समझौता था वही रद्द कर दिया था। हम तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम उसके ऊपर अपनी बात पे खड़े हैं और जो हमारा हक है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और मुझे विश्वास है कि देर सवेर जरूर हमें अपना जो हक है वो मिलेगा। चीन में कोरोना वायरस के गंभीर मामले सामने आने के बाद अब हरियाणा में भी 5 संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। इनमें से 2 मामले गुरुग्राम और 1-1 मामला फरीदाबाद, नूह और पानीपत से प्रकाश में आए हैं। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि भारत में कोरोना वायरस का 1 भी मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज ने आज पंचकुला में बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जन को
कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चीन से आने वाले हर व्यक्ति की जांच जारी है। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने और सैंपल लेने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में तुरंत प्रभाव से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने कहा कि इस मामले में सभी जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जो तुरंत इनके संपर्क में आकर इनका ध्यान रखेंगी और मॉनिटरिंग करेंगी। भी है जो 5 लोग हमारे यहाँ वहाँ से ट्रेवल होके आए हैं, तो उनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है वो हमने भी अपने सिविल सर्जन्स को 20 तारीख को जारी कर दी थी, और कल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीसी की थी, उसके उन्होंने जो जो स्टेप्स लेने हैं वो दोबारा से उन्होंने बताए हैं, और हमने भी आज सभी सिविल सर्जन के साथ वीसी करके और उसमें अपने जो स्टेप्स लिए जाने हैं, क्या उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, किसी में सिम्टम आते हैं तो उसका सैंपल लेना है, वो सारी कार्रवाई हमने कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोरोना वायरस को लेकर भयभीत न होने की अपील की है। इस वायरस के संक्रमण से विश्व में 106 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 4,500 लोग इससे संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को इस वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के सभी देश चीन के हुबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट कहा कि वो विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने की सिफारिश की जरूरत नहीं समझता। हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में भारत के 250 से अधिक नागरिक हैं, जिनमें अधिकतर शोध छात्र और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वायरस को बड़ा वैश्विक खतरा घोषित किया था। हालांकि उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल का दर्जा नहीं दिया है। संगठन ने नेपाल और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों से आग्रह किया कि वे इस वायरस की जांच करने और इसके संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। भिवानी में कंचन और मोनिका ने अपनी शादी में घोड़ी पर बिंदोरा निकालकर एक नई पहल की शुरुआत की है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लड़की की शादी से 2-3 दिन पहले बान बैठता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए इन दोनों लड़कियों ने घोड़े पर बैठकर बिंदोरा निकाला है। दुल्हन सहित परिवार के लोग डीजे के गानों पर थिरकते नजर आए। लड़की के परिवार वालों की ये सोच समाज को एक नई दिशा देगी। इस तरह की पहल करने वाला ये परिवार भिवानी का पहला परिवार है। मोनिका और कंचन ने बताया कि हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे परिवार ने हमें लड़कों की तरह रखा है। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। ये होता था कि लड़कियों को घरों में रखा जाए, वो चूल्हा चुल्ही में रहे, लेकिन आजकल लड़कियों को इस चीज़ से प्रेफर किया जाता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जाए। और मैं अपने फैमिली का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक लड़के की तरह बनवारा निकाला गया। घोड़ी डीजे बैंड सब जोर शोरों के साथ धूमधाम से मेरी लड़कों की तरह शादी अटेंड करवाई जा रही है। कल मेरी शादी है और आज मेरा बनवारा निकाला गया, वो लड़कों की तरह एकदम घोड़ी भी और डीजे के साथ लाया गया। मैं अपने परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को लड़कों से कम ना समझो, उन्हें पूरा मौका दे बाहर निकलने का, वो लड़कों के बराबर तुम्हारा नाम कमा सकती है। भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में एथलेटिक सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग में 87.86 मीटर भाला फेंक 85 मीटर के बेंच मार्क को पार करने के बाद क्वालिफाई किया। कोहनी की चोट के कारण वो पिछले साल ज्यादातर इवेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। नीरज पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। चोट से उबरने के बाद नीरज का ये पहला मुकाबला था जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। नीरज आखिरी बार अगस्त 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में खेले थे, जहां उन्होंने 88.06 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने ट्वीट किया कि 87.86 मीटर कंपटीशन मोड में वापसी से काफी अच्छा लग रहा है। आप सभी की शुभकामना और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने गर्भपात विधेयक 2020 को दी मंजूरी। गर्भपात की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 से 24 हफ्ते की गई। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भाजपा में शामिल, कहा प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
दीन बंधु सर छोटू राम की 140वीं जयंती करनाल में धूमधाम से मनाई गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी श्रद्धांजलि। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 जीता। 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बनाई अजेय बढ़त। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।